Hello everyone, assalamu alaikum, this is me Zainab Saqib and welcome back to my YouTube channel. So जी कैसे हैं आप सब? I hope so कि सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और फिट फाट हूँ. तो जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मलाइका के ससुराल के जोड़े, मीन्स जो मलाइका के ससुराल वालों ने उसके लिए बरी बनाई थी, बरी में जो जोड़े दिए थे वो आज की वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ. आपकी इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी थी तो फिर मैंने मलाइका से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप हमें जोड़े दिखाएँ अपने, तो आज वो दिखाने वाली है, वो खुद दिखाएंगी. सो देखते हैं कितने जोड़े हैं और कौन कौन से जोड़े हैं. सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आप लोगों ने एंड तक देखनी है, बहुत मजा की वीडियो होने वाली. याहू. तो जी देखें, यहाँ पे पहले ही अपनी जो मैक्सी का दुपट्टा है वो ठीक कर रही हैं. सो मलाइका, आप अपने बरी के जोड़े दिखाएं जो आपको ससुराल की तरफ से मिले थे. अच्छा, वो मैंने दिखाने हैं? आपने खुद दिखाने हैं. अच्छा ठीक है. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम. एक्चुअली मैं आई हूँ तकरीबन 8 to 10 days के लिए, तो मैं उस अकॉर्डिंग अपने जो ड्रेसेस है ना वो लेके आई हूँ. ठीक है, आपने वलीमा के व्लॉग में मेरी ना फाइनल लुक देखी, सोचा कि आप लोगों को ये मैं मैक्सी भी लेके आई हुई थी तो इसकी भी सारी डिटेल्स दे देती हूँ. ये रहे सारे ड्रेसेस और ये रही मलाइका के वलीमे की मैक्सी जो इसने पहनी हुई थी अपने वलीमे पे. तो ये लेके आई हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना कि आप लोगों को भी दिखाया जाए, क्योंकि उस दिन इतना व्लॉग तो बनाया नहीं, ना आपको इनकी लुक दिखाई है ना मैक्सी की थोड़ी सी डिटेल आपको बताइए. तो आज आपको इसकी डिटेल भी बताएंगे, तो आइए फिर ड्रेसेस देखते हैं, साथ साथ डिटेल जानिए. अच्छा जी, ये मैक्सी है ठीक है, और ये है स्किन कलर में. ये देखें, ये बहुत प्यारा सा न्यूड सा स्किन कलर है और इसके ऊपर जो काम हुआ हुआ है ना वो ब्राउन और सिल्वर हुआ हुआ है. ठीक है, ये देखें आप लोग कुछ इस तरीके से. ठीक है, और ये इतनी को हैवी मैक्सी है, मैंने इतनी मुश्किल से कैरी की हुई थी. ये एयरलाइन मैक्सी है, साथ इसकी कैप्री है ठीक है शिमरी में, और ये साथ खूबसूरत सी इसकी पोटली है स्किन कलर में. और जो बेसिकली इसका दुपट्टा है ना वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है. दुपट्टा जो सा था ना वो टेल दुपट्टा था. अभी जैनब आपको लेके भी दिखाती हैं. तो ये है जी इनकी मैक्सी, इसका बहुत वेट है, मेरे से तो उठा ही नहीं जा रही, इस पर बहुत काम हुआ भाई. इसकी फ्रंट है, मैंने कहा आपको ऐसे पकड़ के दिखाते हैं, ऐसे सही नज़र नहीं आ रही होगी. और कुछ इस तरीके से स्लीव्स पे काम हुआ हुआ है. और ये रही इसकी बैक, देखिए फ्लेयर देखें आप लोग. इसके नीचे कैन भी थी, कैन अब आपको दिखाने की जरूरत नहीं, मैक्सी देख लें आप. और ये बल इसलिए पड़े हुए क्योंकि मैं कैरी में लेके आई हूँ ना, तो फिर आपको पता है ऐसे ऐसे करके रखना पड़ता है छोटी तय लगा के. तो जी ये रही इनकी मैक्सी, ये सारा इस पे काम है, ये आप लोग फुल देख लें. ठीक है, ये आप दुपट्टा इसका चेक करें, मुझे दुपट्टा इसका बहुत ज्यादा प्यारा लगा, प्रीटी लगा. ये देखिए जैनब ने लेके दिखाया है, जैनब ने लिया हुआ ऊपर. जैनब हाय करो. ये देखें, ये कुछ इस तरीके का दुपट्टा था जो मैंने ऐसे ही कैरी किया हुआ था, ये जिस तरह जैनब ने लिया हुआ है. ये गुलाई में दुपट्टा है, ये देखें, और कुछ इस तरीके का दुपट्टे पे काम हुआ हुआ है. दुपट्टा भी माशाल्लाह से इतना हैवी और ऊपर से मैक्सी भी इतनी हैवी थी. जैनब कैसा फील कर रही हैं आप? वो भी टाइम आ ही जाना है. ये सबसे गंदा काम ये होता है मैक्सी में, तो ये जो सलोन्स वाले लगाते हैं ना पिन्ने अंदर, सारा दुपट्टा फाड़ देती है. हाँ ये तो फिर है, पिंस तो फिर लगती है ना सिक्योर करने के लिए. जी एक ये खूबसूरत सा ड्रेस है, ये जिसने मुझे ले के आए हैं परसों, ये मैं पहन के आई हूँ और ये इंग्लैंड से आया था ठीक है. और ये जी पर्पल कलर है, और ये जो स्टफ है ना ये वेलवेट का स्टफ है और कुछ इस तरीके से ऊपर काम हुआ हुआ है. ये देखें छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं, और इसका आप लोग बॉर्डर चेक करें कितना खूबसूरत है. और ये मेरा फेवरेट ड्रेस है जो मेरे ससुराल वालों ने मेरी सारी बरी बनाई है, सारी बहुत खूबसूरत है लेकिन ये ड्रेस मेरा फेवरेट है. इसके जो स्लीव्स हैं ना ये देखें कितना खूबसूरत इन पर काम हुआ हुआ है, और अम्ब्रेला स्लीव्स हैं इसके. और ये कुछ इस तरीके की इसकी बैक है, फ्रंट पर ज़्यादा काम है, बैक पे सिंगल सिंगल स्टोन लगा हुआ है, और कुछ इस तरीके का बॉर्डर है. फ्रंट पे डिफरेंट बॉर्डर है, बैक पे डिफरेंट बॉर्डर है. उसके अलावा अगर इसकी नेक लाइन की बात की जाए तो ये देखें, बेसिकली ये जो बे गला है ना, मुझे ड्रेसेस का बे गला बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि मैं इसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ. गले की डिटेलिंग है ठीक है. इसकी कैप्री है ठीक है, और कैप्री पे कुछ इस तरह की डिजाइनिंग हुई हुई है. ये देखें कितना खूबसूरत यहाँ पे काम हुआ हुआ है ठीक है. बेसिकली उन्होंने सिंपल कपड़ा लेके ना इंग्लैंड से वेलवेट का, ऊपर ये सारा काम उन्होंने खुद करवाया है ठीक है. और हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि हम वेलवेट खाली कपड़ा लेते हैं ना वेलवेट का, उसको स्टिच करवाते हैं, इधर वेलवेट के नीचे भी ये देखें डबल कपड़ा लगा हुआ है,
और इसमें बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती। और इसलिए जिस दिन मैं आई थी ना, उस दिन मौसम भी बहुत ज़्यादा फॉगी फॉगी था, लाइक बहुत ज़्यादा फॉग थी, धुंध थी। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ये पहनूंगी और मुझे बिल्कुल सर्दी नहीं लगी। इसका दुपट्टा था ना वो इस कलर का था और वो शिफॉन का था, वो फिर मैंने नहीं लिया। ये जो मैंने लहंगे के साथ अपना डबल दुपट्टा बनवाया था ना, मतलब दूसरा दुपट्टा, ये गोल्डन, तो ये इसके साथ ना परफेक्टली मैच हो गया, तो फिर मैंने ये वाला साथ लिया हुआ था। जी ये भी साड़ी है खूबसूरत सी, और ये भी उन्होंने पाकिस्तान से नहीं ली। ये साड़ी फैसल खुद लेके आए थे मलाइका के लिए बाहर से ही, क्योंकि उनको साड़ी बहुत पसंद है कि मलाइका साड़ी पहने, तो व्हाइट कलर लेके आए, क्योंकि वो कहते हैं मलाइका व्हाइट कलर में बहुत प्यारी लगती है। जी कुछ इस तरीके की उन्होंने साड़ी बनवाई है। और जी आप लोग देख लें इसका लेबर, ये आउट ऑफ कंट्री का ही है, टैग लगा हुआ है, पाकिस्तानी नहीं है। अच्छा, अब जिस तरह की आपको पता है कि जो मतलब मेरे ससुराल वाले हैं वो बेसिकली इंग्लैंड से हैं, तो उन्होंने जो ज्यादा बरी है ना, जो ज्यादा हैवी ड्रेसेस हैं, वो उन्होंने इंग्लैंड से बनवाए हैं। ठीक है, मेरी सिस्टर इन लॉ ने और फैसल ने मिलकर ये ड्रेसेस बनवाए हैं सारे। ठीक है, तो ये साड़ी भी उन्होंने बहुत ज्यादा प्यार से बनवाई है, और ये मैंने पहनी भी थी। ज़ैनब साहब पिक्चर भी अटैच कर देगी। ठीक है, ये देखें कुछ इस तरीके की ये साड़ी है, ऑफ वाइट कलर में, और इसका बॉर्डर कुछ इस तरीके का है। ठीक है जैनब, ये जरा साथ लगा के दिखाओ। ये देखें जी कुछ इस तरीके की ये साड़ी है, और जैनब तुम्हें इसमें ट्रांजिशन बनानी चाहिए, क्या ख्याल है? वो तो मैंने सोचा ही। ट्रांजिशन बनेगी तो जो इस साड़ी की कंप्लीट डिटेल है वो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी। तो अगर आपने जैनब को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके करें। ओफो शेयरिंग इज केयरिंग। ये देखें जी, ये इसका साथ ब्लाउज है ऑफ वाइट में, साथ ये इसका पल्लू है। ये बहुत ही प्रीटी साड़ी है, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं जरूर साथ मलाइका की पिक अटैच कर दूंगी। था जी एक ये खूबसूरत सा ड्रेस है, ये है लाइट से पर्पल कलर का, और कुछ इस तरीके से इसकी डिटेलिंग है। ये नेट पे बना हुआ है और इसका भी बेगला है, और उसके अलावा ये देखें कितना प्यारा इस पे काम हुआ है, बिल्कुल छोटे छोटे से फ्लावर्स बने हुए हैं और कितने डिसेंट लग रहे हैं। और इसका बॉर्डर कुछ इस तरीके का, ये देखें ब्लॉक्स बने हुए हैं और साथ स्टोन्स लगे हुए हैं। ठीक है, गोल्डन एंड पर्पल कलर में, और ये इसके स्लीव्स हैं, और स्लीव्स पे जो बॉर्डर है ना वो कुछ इस तरीके का। ठीक है, यहाँ नेट का है। रही इसकी बैग, और ये बिल्कुल शॉर्ट सी फ्रॉक है, डिसेंट लुक देने के लिए इसमें उन्होंने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं ना, स्टोन्स लगाए साइड पे। अच्छा जी, फिर आप लोग, और मजे की बात ये है, ये भी भाई फैसल लेके आए हुए हैं बाहर से, यार काम वाले हैवी ड्रेसेस हैं वो बाहर से ही सारे आए हुए हैं, बाकी जो पाकिस्तानी है वो आपको भी दिखाते हैं वो भी साथ साथ। ठीक है, और ये साथ जी ये खूबसूरत सा, ये देखें कितना हसीन दुपट्टा है, ये देखें पर्पल एंड गोल्डन कलर में, और साथ ये गोल्डन पाइपिंग हुई हुई है। ठीक है, और उसके अलावा बिल्कुल इसके साथ ये देखें प्लेन सी कैप्री है। ठीक है, ये देखें। अच्छा जी, तो ये मेरी मदर इन लॉ ने लिया है इधर से, और ये ब्रीजे का ड्रेस है, खूबसूरत सा ग्रीन कलर है, उसके अलावा इसमें शॉकिंग कलर के फ्लावर्स हैं, शॉकिंग एंड गोल्डन कलर के, और कुछ इस तरीके की इसकी नेक लाइन है, कितना खूबसूरत सा गला बना हुआ है, क्योंकि मैं ज़्यादा डीप गले नहीं पहनती। और ये देखें स्लीव्स कितने खूबसूरत से हैं। ठीक है, उसके अलावा ये इसका जी फ्रंट है, और ये इसकी सारी बैक है। सिंपल सा, डिसेंट सा, प्यारा सा ये ड्रेस है, और इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है। ये देखें जिसका कितना खूबसूरत सा दुपट्टा है। जैनब कहती है साथ साथ मलाइका आपने बताना है कि आपने ड्रेसेस लिए कहाँ से हैं, क्योंकि फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। ये ब्रीजे का ड्रेस है। ठीक है, ये एक बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है, लाइट सा ब्राउन ऑरेंज से कलर में। ठीक है, और ये भी ब्रीजे का ड्रेस है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके की इसकी फ्रंट है, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और ये कुछ इस तरीके की इसकी बैक है, और ये जो इसका स्टफ है ना वो करंडी है। इसका दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, आपको खोल के दिखाती हूँ मैं। और ये देखें जी, ये कुछ इस तरीके के इसके स्लीव्स हैं, बाय द वे स्टिचिंग भी बहुत अच्छी करवाई है। ये जो इसकी नेक लाइन है ना ये भी बहुत प्यारी है, गला कुछ इस तरीके का बना हुआ है। ठीक है, दुपट्टा कुछ इस तरीके का है, फ्लावर्स बने हुए हैं बड़े बड़े कुछ इस तरीके के, और साइडों पे ये इस तरीके का बॉर्डर बना हुआ है। सर ये मेरा बिल्कुल कैजुअल ड्रेस है, ये उन्होंने लिया था शिनायर से, ये देख लें, और मेरा साइज जो उनसा है वो मीडियम है। ये बहुत ही खूबसूरत सा ब्लैक कलर में ड्रेस है, और ऊपर गोल्डन सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, प्यारी सी। इसके स्लीव्स देखें, स्पेशली इसके स्लीव्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और ये जो स्टफ़ है ना, ये लाइट जो खद्दर होती है ना, ये वो है, और बैक भी इसकी बिल्कुल प्लेन है, सिर्फ नेक लाइन और स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इसका दुपट्टा और कैपरी है ना वो भी बिल्कुल प्लेन है, ब्लैक कलर में। ड्रेस इन्होंने लिया था अनस्टिच केसरिया से ब्लू कलर में, और ये उन्होंने खुद स्टिच करवाया है।
ठीक है ये देखें इसकी नेक लाइन की डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से है और जो ये स्लीव्स है ना वो देखें यहाँ पे लेस लगी हुई है, फ्रंट पे भी लेस लगी हुई है और बैक पे भी लेस लगी हुई है और ये बहुत ही खूबसूरत सा ब्लू कलर का कैजुअल सा ड्रेस है और ये इसका साथ नीचे ब्लू प्लेन ट्राउजर है और दुपट्टा भी सेम शर्ट जैसा है और चारों तरफ उन्होंने लेस लगवाई है। ठीक है सो यस और ये जो ड्रेस है ये भी शनायर से है। ठीक है ये बहुत ही खूबसूरत सा लाइट ब्राउन सा कलर है। ठीक है ये देखें कुछ उन्होंने रेडीमेड कपड़े भी लिए हैं ना, ये नेक लाइन की कुछ इस तरह की डिटेलिंग है खूबसूरत सी, ये देखें प्यारे से स्टोन्स लगे हुए हैं और कहीं कहीं मिरर्स भी लगे हुए हैं। स्लीव्स कुछ इस तरह के हैं ये देखें प्यारे से और ये फ्रॉक है और जो बैक है वो बिल्कुल प्लेन है, प्रिंटेड ड्रेस है ये देखें। ये इसका दुपट्टा है खूबसूरत सा, दुपट्टे पे साइड पे बॉर्डर लगा हुआ है जैसी नेकलाइन बनी हुई है, ब्लैक शिफॉन का दुपट्टा है, प्रिंटेड कैप्री है ब्लैक कलर में और कुछ इस तरीके से इसका प्रिंट है और ये देखें कितनी खूबसूरत है और बॉर्डर कुछ इस तरीके का है। ठीक है फ्रॉक ऑरेंज में और बाकी जो कैप्री है ना वो नेकलाइन के तरीके की है। और अच्छा ये जब हम लोग मुझे साथ लेके गए थे ना जब उन्होंने मेरी शॉपिंग करनी थी तो ये सारे जो ड्रेसेस हैं ना जो शिनायर के हैं ब्रीज के केसरिया से जो लिए हैं ये मैंने खुद पसंद किए थे, बाकी जो ड्रेसेस हैं ना फैंसी वगैरह वो सारे इंग्लैंड से आए हैं, कैजुअल मैंने यहाँ से खुद लिए थे उनके साथ और बाकी जो फैंसी ड्रेसेस हैं ना वो इंग्लैंड से आए हैं। कोट ड्रेस था स्किन से कलर का जो मैंने पहना हुआ था वो भी शिनायर का है, जो लास्ट वीडियो में मैंने पहना हुआ था मुंह दिखाई वाली वीडियो में, सो वो भी मेरे ससुराल वालों की तरफ से ही है। सो ये थे ड्रेसेस मलाइका के, ये सारे ड्रेसेस नहीं थे ये हाफ थे। ठीक है क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग ड्रेसेस लेके आई हैं, उन्हें नहीं पता था वीडियो बननी है, वो 10 डेज के लिए आई हैं तो वो उस अकॉर्डिंग अपने 8 to 10 ड्रेसेस ही लेके आई हैं जो मैंने आज आपको दिखा दी हैं। ठीक है जी और बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में इतना ज्यादा पूछ रहे थे कि जो मलाइका के ससुराल में उसका रूम है उसका टूर दे दें, तो मैं आपको जो रिसेंटली लास्ट ब्लॉग है ना वो आप लोग जाके देख, जिस वीडियो का टाइटल है मलाइका को उसके ससुराल से लेने गए वो जाके देखिए, उसमें मैंने मलाइका का जो रूम टूर है ससुराल वाला वो मैंने आपको दिखा दिया है, कुछ को नहीं पता तो वो जाके देख सकते हैं, आपका कमेंट था तो मैंने सोचा इसका रिप्लाई कर दूं। ठीक है बाकी आई होप सो आप लोगों ने ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंजॉय की होगी, आपकी फरमाइश पे ये वीडियो बनाई है। बाकी अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है मलाइका इधर ही है अभी कुछ डेज तो आप लोग अपनी जो रिक्वेस्ट है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि मैं वो वीडियो आगे लेके आ जाऊं। तो अब मुझे दे इजाजत, सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो सो डू लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो फॉलो मी इंस्टाग्राम लिंक लो, लिंक पे क्लिक करें और जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और ट्रांजिशन वीडियोस जो हैं वो जल्दी इंशाल्लाह आ जाएंगी। इतने डिफिकल्ट डेज चल रहे हैं क्योंकि खाला लोग भी इधर हैं बच्चे भी इधर हैं, वीडियो शूट करने का टाइम ही नहीं मिलता है। सो गाइज अब मुझे दें इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।